स्टूडेंट्स जोहार हम डॉक्टर अनुपमा मिश्रा लेक्चरर मारवाड़ी कॉलेज रांची विषय नागपुरी आज हम रौरमन के टेल्थ इलेक्टिव कर कोर्स में किताब टोंगरी और पजरा गद्य पद्य संग्रह में संकलित कविता पावस रितु कर सप्रसंग व्याख्या करके बताओ कविता कर कवि राम हैं तो आओ सबसे पहले हमरे मन कविता के पढ़ब तले उकर भावार्थ के जानब और अंत में सप्रसंग व्याख्या करब कविता है पावस ऋतु पहुँचे पावस ऋतु पिया भेले भोर नहीं आले रे अंतरे जले मोर नहीं आलन झिक चंपा फूली ग सुगंध ओर लुहु लुहु रे पवन झिक झोर लुहु लुहु गिरी गहने सिकी मारत टंकोर कुहू कुहू रे कोयली करे अंदोर कुहु कुहु विषम भर राती घासी नैना ढरे लोर गुनी गुनी रे मदन हने जोर गुनी गुनी तो ये रहे कविता पावस ऋतु आप हमरे इकर पहले भावार्थ के जानब पहुँचे पावस ऋतु पिया भेल भोर नहीं आलय रे अंतरे जले मोर नहीं आलय नायिका बट से प्रस्तुत करल जाये गीत जकर में नायिका अपन सखी के कहेला कि पावस ऋतु आ गक मने बरखा ऋतु आ गक मुदा मोर पिया एखन तक नहीं आहें रे अंतर जले मोर नहीं आल इकर मतलब हमर भीतर हृदय में भी कर विरहकर जरत है लेकिन एखन तक नहीं आह झीक चंपा फूली ग सुगंध ओर झिक चंपा फूल फूल जाहे और उकर सुगंध चारों बटे पसर जाहे हवा महमहाय जाहे लूहू लूहू रे पवन झीक झोर हवा लूहू लूहू चलत जे जेकि गाछ वृक्ष के झिकझोईर देवत है, मने चारों बटे मौसम बहुत सुहाना है गिरी गहने सिकी मारत तट टंकोर कुहू कुहू गिरी गहने घोर वन पर्वत में मोर जे है बदरा के देख के टंकोर मारत थे मोर बदरा के देख के नाचत थे और बोलत थे रे कोयली करे अंदोर कुहु कुहु और कोयली चारों बटे कुहू कूहू करके अंदोर है विषम भर राती घासी नैना ढरे लोर गुनी गुनी और बरखा कर करिया राईत में जखन बदरी घिरकथ हे पानी बरखत हे से बेरा कवि राम कहत हैं से बेरा बिरहनी कर आँख में लोर भर जाहे और बहत है गुनी गुनी रे मदन हने जोर गुनी गुनी अपन कर रूप के छवि के याद के उके गुण गुण के उकर आँख से लोर बहत है और कामदेव मदन आपन प्रेम कर तीर हैं जेकर चलते हृदय जरथ तो होलक पावस ऋतु कविता कर भावार्थ हमरे एकर सप्रसंग व्याख्या करब प्रस्तुत कविता पावस ऋतु कवि कर लिखल कविता है जन कवि घासीराम प्राचीन नागपुरी साहित्यकर दिग्गज कवि हकन जी नागपुरी साहित्य के अपन काव्य प्रतिभा से जगमगवाय दे रहे हैं। घासीराम कर पुजारी कवि हकन इनकर गीत में प्रकृति सजीव सुंदर रूप से विराजमान है वैसे घासीराम फगुआ गीत ले बगरा जानल जाए ना मुदा दोसर गीत सुन्दर सुन्दर और दोसर कर सुंदर सुंदर रचना हैं। राधा कृष्ण कर रासलीला और विरह गीत काव्य प्रतिभा में देख जा सक बड़ा रसगर बुझायला इनकर में ऐसा प्रतिभा रहे कि गीत कोनो रस में लिखत रहें मुदा खूब लोकप्रिय हो जात रहे और जन जन कर कंठहार बन जात रहे कहक मतलब है इनकर गीत के सौ आदमी गाँव गाँव में गात सहेले इनके जन कवि कहल जाएला तो प्रस्तुत कविता पावस ऋतु पाठ्य पाठ्यपुस्तक टोंगरी और पझरा गद्य पद्य संग्रह कर भाग दू कर पद्य भाग में संकलित एगो कविता है जेकर कवि घाँसीराम बरखा ई कविता में बड़ा सुंदर वर्णन हैं। इ कविता में पावस ऋतु माने बरखा ऋतु कर वर्णन है जेकर में एक बटे संयो वियोग रस कर सुंदर चित्रण करल जाहे, तो कर तो दूसर बटे बरखा कर सुंदर वर्णन करल है। बरखा कर बहना से कर मनोभाव कर सुंदर चित्रण उकेर हैं कवि घासी राम कवि कहना कि एगो गोपी अपन सखी से कहेला कि बरखा ऋतु आ जाहे पानी बरसे चलते धरती में चारों बटे हरियरी छाए जाए, मौसम बड़ा सुहाना है बरखा कर पानी से सौ बटे मौसम ठंडा हो जाए, मुदा मोर हृदय में विरह कर आएक जरत जरथे से के ई बरखा कर पानी निंझाय नहीं है ऐसा मन भावन मौसम है कि चारों बटे चंपा चमेली और दूसर दूसर कतना फूल खिल जाह जेके देखे में मन मुहा जाते, फूल कर सुगंध हवा बतास में पसेर जाह हवा में फूल कर गमक से सौ बटे महमहा जाह लुहू लुहू हवा चलत है जकर झिकोर से गाछ वृक्ष झूमत हैं घोर बन पहाड़ में मोर कर टंकोर सुना थे कोयली कर कुहू कुहू चारों दने अंदोर कर ले है करिया बदरी देख के मोर नाच थे सब कोई खुश हैं प्रकृति पशु पक्षी आदमी सब रिझत हैं मुदा हमार मन उदास है प्रियतम कर वियोग में हमर मन निराश है पिया कर आवेक आसरा में मन छटपटा थे मन तड़प थे कि हमके प्रेम के विसराय दे हैं भुलाय दे हैं उनकर याद में घरी घरी आँख में लोर भर जाते, और बहे लागत थे कवि घासीराम कहना कि बरखा कर करिया रात में बदरी घिड़कत हे पानी बरसत हे मुदा पिया कर याद में उनकर सुंदर रूप छवि दिसत है और से लोर बहते कामदेव मदन प्रेम कर तीर चलाते हैं जर से गोटा गतर बिरह कर ताप में थे बरखा करी सुहाना मौसम में मन कर विरह कर आय के ई पानी बुझाए नहीं पारथे निझा नहीं पारथे मुदा और उबकायला पिया कर बात के गुइन गुइन के याद करि कर जीव अकबकाय जायला और से लोर बहे लगे प्रस्तुत विरह गीत श्रृंगार रस में लिखल जा है। जे कि वियोग श्रृंगार रसकर गीत है राधा कृष्ण लीला पर ही गीत आधारित है जखन कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा चलि उनकर सखी गोपी मन कृष्ण कर प्रेम कर वियोग में जरे लगल तड़पे लगल और आपन मन कर बता के एक दूसरा के बतात रहें कि कैसे कृष्ण कर बिना कोनो चीज बेस नहीं लागत हे बरखा ऋतु बड़ा मन भावन होवेला और मन के बहुत सोहला मुदा उनकर विरोह में एकदम बेस नहीं लागत हे जबकि चारों बटे कतना सुंदर सुंदर फूल खील है उकर सुगंध पसरल है वास्तव में इ गीत में पिया जे बनल हैं उ श्री कृष्ण हैं और जे की परमात्मा कर प्रतीक हैं संगे संगे राधा जे हैं उ विरहनी हैं और व्याकुल आत्मा कर प्रतीक हैं इर घासी ई कविता प्रतीकात्मक भी है पावस ऋतु कर उत्कृष्ट नमूना है रस अलंकार और प्रतीक से सजल ये पावस ऋतु कविता बड़ा सरल और सहज रूप में प्रस्तुत करल जा है जेकर में एक बटे पावस ऋतु में प्रकृति कतना सुंदर हो जायला उकर वर्णन है तो दूसर बटे राधा कृष्ण लीला में विरह श्रृंगार कर उत्कृष्ट रूप कवि प्रस्तुत हैं तो होलक कविता पावस ऋतु के सप्रसंग व्याख्या आज इतने धन्यवाद